हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शशांक जैन है और मैं को फाउंडर हूँ वुडोफा इंटीरियर्स का। आज इस वीडियो से मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी टिप देना चाहता हूँ आपके घर के इंटीरियर के बारे में। अगर आप लोकल मार्केट से ग्लास वाले को बुला लें तो अपने घर का लुक काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर उस ग्लास को यूज़ करके आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस एड ऑन्स कर सकते हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारे टिप्स बताऊंगा कि जो आप अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकोगे। बिफोर आई डू दैट, आप जल्दी से मेरा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस पर मिलेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने बेडरूम में सेम स्पेस में एक नया ड्रेसर कैसे बना सकते हैं। आपके पास एक साइड टेबल है और आपके पास एक बेड है। क्या आपको मालूम है आप अपनी साइड टेबल को ड्रेसर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके साथ में एक लंबा लुकिंग मिरर लगा सकते हैं। आइए आप अपने ग्लास वाले वेंडर को बुलाइए अपने लोकल मार्केट से, जो भी आपके घर के आसपास मार्केट हो जहाँ पर कोई ग्लास वाला काम करता हो, उसको बोलिए कि आप एक बड़ा लुकिंग मिरर लगाना चाहते हैं अपने साइड टेबल के साथ में। उस मिरर के अंदर आप चाहें तो डेकोरेटिव कुछ एचिंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एक प्लेन लुकिंग मिरर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाजू में जो जगह मिलेगी वो आपकी साइड टेबल की है। साइड टेबल के अंदर आप अपना ड्रेसिंग डाल दीजिए, उसके अंदर आप अपना कॉस्मेटिक्स डाल दीजिए, उसके अंदर आपको जो अपना ड्रेसिंग का सामान है वो डाल दीजिए। उस तरीके से आपके कमरे में साइड टेबल भी रह गई और आपके कमरे में एक नया ड्रेसर भी ऐड हो गया। अब मैं आपको आपके घर के दरवाजे का लुक कैसे चेंज किया जाए वो बता रहा हूँ। यहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसके बीच में एक ग्लास का सेक्शन था। इसके ऊपर आप बहुत सारी ग्लास फिल्म्स या विनाइल फिल्म जिसे हम अक्सर कहते हैं, या इसके अंदर कुछ फ्रॉस्टेड फिल्म्स आप लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा काम, अपने छोटे लोकल मार्केट में जाके अपने ग्लास वाले जो भी आपके यहाँ ग्लास का काम करता है उसको बुलाइए, उसको बोलिए कि आपका इस दरवाजे के ऊपर आपको कुछ विनाइल फिल्म्स लगाने हैं। तो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, वर्टिकल पैटर्न्स या फिर फ्लावर पैटर्न सजेस्ट आपको कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन आपके बेडरूम, आपके लिविंग रूम के थीम, उसके हिसाब से आप इसको चेंज किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल, ये एक दरवाज़ा है, इसके बीच में ये ग्लास था, इसके ऊपर एक फिल्म का पैटर्न बना हुआ है। सिमिलरली आप अपने बाथरूम्स, आप अपने बेडरूम्स या आपके लिविंग रूम्स जहाँ पर भी ग्लास के डोर्स हैं या बीच में सेक्शन है वहाँ पर आप इसे कर सकते हैं। इस टिप के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने एग्जिस्टिंग डाइनिंग टेबल का लुक कैसे चेंज करें। हम सबके पास एक डाइनिंग टेबल होती है घर में, चाहे वो 4 सीटर हो या 6 सीटर हो, और अक्सर हमें प्रॉब्लम होता है कि हम इससे या तो बोर हो गए हैं या इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा है। एक सिंपल सा काम आपने करना है, जैसा कि आप इस डाइनिंग टेबल पर देख सकते हैं, आप अपने एक ग्लास वाले को बुलाएं जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल होगा। उसको आप बोलें कि मुझे ग्लास का टॉप रखना है डाइनिंग टेबल के ऊपर। अक्सर ये लोग सजेस्ट करते हैं कि क्लियर ग्लास का टॉप रख लीजिए या फिर जो भी आपका नीचे का बेस पॉलिश है वो दिखने लगेगा। वेरेज इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप ये मार्बल लुकिंग पेपर है उसको रखें एंड उसके ऊपर ग्लास के टॉप को रख लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऊपर से लगेगा कि आपने मार्बल रखा है उस टेबल के ऊपर, पर वेरेज उस टेबल के ऊपर एक ग्लास है और उसके नीचे एक मार्बल लुकिंग पेपर है। सिमिलरली इसी तरीके की चीज़ आप अपने सेंटर टेबल, कॉफ़ी टेबल्स और रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स इन द ड्राइंग रूम भी कर सकते हैं। एक तो ये सिंक अप करेगा आपके थीम के साथ, वन, एंड सेकेंड इज इट विल चेंज द लुक, वो थोड़ा सा लुक भी उसका बदल देगा। सेम प्रोसीजर है, आपने ग्लास वाले को बुलाना है और उसको बोलना है कि दोनों को एड ऑन कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से अपडेटेड रहिए।